एंड वेलकम टू दि क्वेश्चन सेक्शन ऑफ चैप्टर टू हमने चैप्टर वन भी देख लिया शंकर मनी वाला, हमने चैप्टर टू भी देख लिया राजम और मनी वाला, राजम और वाला, नया स्टूडेंट आता है बोलता बोलता है है तो मैं निपटा ही दूंगा, स्वामी बोलता है, पुलिस का लड़का है जरा बच के रहना रे बाबा। अब अपन देखने वाले क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हु क्वेश्चन राजम राजम कौन है कौन है कौन है और दूसरी बात वाई वॉज मनी एंग्री विथ हिम राजम कौन है और मनी इससे गुस्सा क्यों है आंसर नंबर वन राजम के बारे में बात होगी ध्यान से सुनना राजम वॉज अ न्यू स्टूडेंट ऐसी याद हो गया पहला पॉइंट राजम एक नया स्टूडेंट है राजम एक नया स्टूडेंट है राजम वॉज अ न्यू स्टूडेंट ही वॉज द सन ऑफ द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किसका बेटा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वामी एडमायर्ड राजम एंड वॉज मच इंप्रेस्ड बाय इस केयर फ्री कंडक्ट तीन पॉइंट एक एक पॉइंट याद करना ऐसे याद हो जाएगा राजम वाज अ न्यू स्टूडेंट राजम इज द सन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस स्वामी एडमायर राजम एंड मच इंप्रेस्ड बाय इस केयर फ्री कंडक्ट मैनर एंड बाय इस ब्रिलियंस एज अ स्टूडेंट क्या क्या पसंद है उसको री वेल ही वॉज द ऑनली बॉय इन द्लास हु वो सॉक्स एंड शूज यहां से राजम की तारीफ करना शुरू कर दो राजम अकेला लड़का है जो क्या पहनता है जूते मोजे फर कैप टाई एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर बहुत प्यारा कोट पहनता है निकर पहनता है ही केम टू द स्कूल इन अ कार कार वेरी गुड स्टूडेंट टू राजम के बारे में पूरे पॉइंट याद करा रहा हूं कैसे याद करना है सुन लो सबसे पहले सब बच्चे मेरे पास बोलेंगे बोलो क्वेश्चन में आएगा हु वॉज राजम सबसे पहली बात आपको जैसी राजम दिखे बोलो कौन दिखे राजम आप तुरंत बोलना राजम वॉज अ न्यू स्टूडेंट राजम कौन है न्यू स्टूडेंट बोलो मेरे साथ पहला पॉइंट राजम कौन है न्यू स्टूडेंट दूसरा किसका बच्चा है सन ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तीसरा पॉइंट मनी को तो दिक्कत है इम्प्रेस कौन हो गया स्वामी किस से उसके कंडक्ट से उसके बिहेवियर से उसके एटीट्यूड से और इसने सबको चैलेंज कर दिया और ये क्या क्या करता है अब सुनो टाई पहनता है शूज पहनता है सॉक्स पहनता है बाप रे बाप बाकी बच्चों के पास नहीं है आहा नहीं है इसी के पास है शू टाई कैप, वंडरफुल कोट और ही कम टू द स्कूल इन अ कार काय में आता है स्कूल कार में बोलो काय में आता है कार में आता है खत्म फिनिश टाटा बाय बाय हो गया और बहुत अच्छा स्टूडेंट है कौन राजम इट इज सेट दैट ही कम फ्रॉम सम इंग्लिश इज बॉयज स्कूल इन मद्रास मद्रास के कोई स्कूल से आया है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है यूरोपियन के जैसा हीस्टम कई ऐसी बात कर दी जो मनी को बिल्कुल अकस्टम नहीं है पसंद नहीं है जिससे वो रूबरू नहीं है इफ मनी वॉज द ओवर लॉड ऑफ द क्लास मनी सबका ओवरलॉड था ओवरलॉड मतलब सबका बाप बोलते ना सबका बाप ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास राजम सीम टू बी नथिंग लेस हां तो जैसा मनी था सेम वैसे ही बन गया राजम And add to all this fact that राजम एंड टू ऑल दिस फैक्ट दैट अ रेगुलर परसेंटर इसकी और एक खासियत सुनो मनी तो ढन धन, ढना ढन धन, फेल फेल राजम बहुत अच्छा सेकेंड सेकेंड नंबर पे रैंक लेके आता था शंकर के बाद राजम का ही नंबर था वर स्वर इंडिकेशन द्यू पावर बन गया था क्लास का और इसीलिए मनी उससे एंग्री था डे बाई डे मनी लोड इंक्रीजिंगली केयर डेट अ न्यू मैन एज सेट अपियर इन हिस्स लाइफ नया धमाका हो गया मनी की लाइफ में सो मनी वॉज जेलस और एंग्री विथ राजम दोनों दोनों आंसर मैंने कराए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है who was राजम? तो आपको बोलना है राजम सुप्रिंटेंडेंट का लड़का है बहुत अच्छे कपड़े पहन के आता है मनी इससे डरता है क्यों तो बोलता है कि मनी के लिए वो न्यू मैनेज क्रिएट करता है जैप करेगा क्लॉट करेगा किक करेगा अगर मनी ओवरलॉड था तो राजम भी कुछ काम नहीं इसीलिए मनी उससे जेलस होता है बोलो आंसर नंबर वन सबको समझ में आ गया स्वाहा अगला क्वेश्चन वॉट डिड मनी डिसाइड टू डू विथ राजम क्वेश्चन समझो क्वेश्चन समझो क्वेश्चन बोलता है मनी ने क्या डिसाइड किया राजम के साथ वो क्या करेगा क्या 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 करेगा मनी तुम राजम के साथ क्या करोगे मनी डिड नॉट लाइक राजम मनी को राजम पसंद नहीं राजम मेड अ गुड इंपैक्ट इन अ क्लास एंड आल्सो इन स्कूल राजम का इम्पैक्ट बहुत शानदार है अरे कार से आता चेरा और शूज टाई बेल्ट फॉर कैप कोट बारे जलवे भाई के देखने की जरूरत ही नहीं गुड इंपैक्ट क्लास में भी और स्कूल में भी मनी ग्रीव जेलस ऑफ हिम लग गए लग गए लग गए चार सौ चालीस वोल्ट मनी को राजम से सो मनी वांटेड टू बंडल हिम इनटू द रिवर ओ भाई साहब ये देखो जलन

अगला क्वेश्चन आंसर नंबर टू मेरे साथ बोलो आप आंसर नंबर टू क्वेश्चन बोलेगा राजम के साथ मनी क्या करना चाहता है बोलो मनी मनी वांटेड टू थ्रो जेलस ये भी है बहुत दिक्कत है राजम ने बहुत अच्छा इंपैक्ट बनाया क्लास में सो मनी वांट टू बंडल हिम अप एंड थ्रो इट इनटू द रिवर और ब्रेक हिज शोल्डर बस यही आंसर बनेगा बाइस क्लब या तो बोले इसकी गर्दन तोड़ डालूंगा या तो हड्डी तोड़ डालूंगा या तो यह दिक्कत दे दूंगा मनी को पसंद नहीं है उसने बहुत अच्छा बना दिया मनी ज्वेलर्स है इसलिए उसको बंडल करके रिवर में फेंकना चाहता है या हड्डी पसली तोड़ना चाहता है हाउ डिड स्वामी रिएक्ट वेन मनी टोल्ड हिम अबाउट हिज इंटेंशन मनी ने सबसे पहले स्वामी को बताया कि मैं राजम को बंडल करूंगा और नदी में डाल दूंगा

मनी ने कहा कुछ नहीं होता मैं तो बिल्कुल उसको तोड़ के रखूंगा आपको ये वाला आंसर भी रटा रहा हूं मेरे साथ बोलो बोलो कौन स्वामी क्या करता है जब उसको पता चलता है मनी के इंटेंशन के बारे में मेरे साथ बोलो बोलो स्वामी को डर लगा बोलो स्वामी वॉज अफ्रेड वेन ही केम टू नो अबाउट मनी इंटेंशन ही टोल्ड दैट हिज फादर इज एस पी एंड बी केयरफुल इट इज वेरी ऑफफुल लॉट लॉट मतलब भयानक काम हो सकता है बच के रहना रे बच के, के नहीं मनी के नहीं राजम के पापा नाथन ब्रोक इन टू लाउट प्रोटेस्टेशन वॉट वर द प्रोटेस्टेशन प्रोटेस्टेशन का मतलब होता विरोध प्रोटेस्ट बोलते ना फार्मर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है विरोध करना किसी चीज को स्वीकार नहीं करना उसके खिलाफ आंदोलन करना वो कहलाता है प्रोटेस्टेशन स्वामी कब प्रोटेस्ट कर रहा था मैं बता रहा हूं क्या हुआ था पहले मैं बता रहा फिर उसको आंसर पे लेके आऊंगा स्वामी ने बोला मनी ने बोला था बोले आजकल तू ये राजम के साथ में ज्यादा रहने लगा है बच के रही तब स्वामी बोलता है अरे बाप रे और बाप रे ओ भाई साहब क्या सोच रहे हो स्वामी ब्रोक इन टू लाउड प्रोटेस्टेशन एस मनी थॉट स्वामी एंड राजम आर गेटिंग दोस्ती बढ़ रही है राजम और स्वामी की तो स्वामी को जैसी बोलता है मनी बहुत जच जचरा है बोले तुम दोनों का अच्छा अच्छा नहीं नहीं हम दोनों की दोस्ती नहीं है तब स्वामी बोलता है नहीं स्वामी ब्रोक इन टू द लाउड प्रोटेस्टेशन एज मनी थॉट दैट स्वामी एंड राजम आर गेटिंग फ्रेंडियर बस यहां पर एक शब्द याद रखना गेटिंग फ्रेंडियर हाउ एवर दिस वॉज नॉट ट्रू स्वामी डिड नॉट ट्राई टू टॉक बट राजम केम टू एम मास्किंग फॉर अ शार्पनर स्वामी बोलता है मैं नहीं बात किया वो खुद आया और बोलता है मुझे शार्पनर दो मुझे शार्पनर दो स्वामी नॉट ओनली गेव अ कोल्ड शोल्डर बट इवन आस्क राजम मनी इज एनिमी टू गेट इट फ्रॉम द शॉप स्वामी बोलता है मैंने उसको शार्पनर दिया भी नहीं बात भी नहीं की एकदम कोल्ड शोल्डर कोल्ड शोल्डर एक ईडियम है इसका मतलब होता है ध्यान ही नहीं देना बोलते ना अरे बड़ा ठंडी बात किया मतलब बात करने का मन ही नहीं बता दिया और बोला जा दुकान से ले ले स्वामी डिड नॉट लाइक दैट मनी डाउट इज सिंसियरिटी इन फ्रेंडशिप एंड ब्रोक इन टू प्रोटेस्टेशन और स्वामी बोलता है यार मनी तू क्या फालतू सोचता है तेरी मेरी यारी है पुरानी कहां से बीच में आ गया ये स्वामी ये भी आंसर याद करा दूंगा आंसर नंबर फोर मेरे साथ बोलो बोलो स्वामी को प्रोटेस्टेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी स्वामी प्रोटेस्टेशन क्यों करता है तो बोलो वेन मनी टू एक ही चीज है स्वामी एक शब्द याद रखना फ्रेंडलियर स्वामी ग्रो इन टू द प्रोटेस्टेशन एंड टोल दैट इट इज मु केम एंड आस्क फॉर शार्पनर कहानी याद रखना राजम आया था किसके लिए शार्पनर के लिए टू विथ स्वामी सेट दैट यू इफ यू वांट यू विल गेट इट फ्रॉम अ शॉप जा जल्दी से दुकान से ले आ मैं क्या ते से बात करूंगा अब सुनो काम का आंसर वाई स्वामी स्वामीनाथन मनी एंड राजम गो टू अ सेक्लूडेड स्पॉट इन द स्कूल क्या हुआ था मास्टर ने ना पकड़ लिया था स्वामी को स्वामी चिट पास कर रहा था आर यू अ मैन आर यू अ मैन तो राजम ने बोला पढ़ने दे वही जो चल रहा था तो ये वाली बात को वो क्या करते हैं बाहर जाके काम करके निपटाते हैं क्या क्या हुआ था वो आपको बताना है एज सुन एज द डेज वर्क वॉज ओवर स्वामी मनियन राजू अक्लूडेड स्पॉट टू सेटल मैटर्स जैसे ही स्कूल खत्म हुआ सेक्लूडेड स्पॉट सेक्लूडेड स्पॉट का मतलब याद रखना एकांत एक में बोलते ना अकेले में आओ अकेले में आओ अरे अकेले अकेले हाँ। तो ये अकेले में चले गए थे मैटर सॉल्व करने के लिए स्वामी अगेन एक्टेड ऑफ कम्युनिकेशन स्वामी बस उन दोनों के बारे में बात कर रहा था क्या काम कर रहा था कॉड ऑफ कम्युनिकेशन मनी बोल रहा था स्वामी उसकी बात आगे पहुंचा रहा था सरल आंसर है याद हो जाएगा बोलो कहाँ गए थे सेक्लूडेड स्पॉट क्यों गए थे टू सेटल द मैटर मनी थिंग एट द रिवर बैंक विद स्वामीनाथन वेटिंग फॉर राजम मनी क्या सोच रहा था जब वो सरयू नदी पे बैठा था स्वामी के साथ और राजम के आने की प्रतीक्षा प्रतीक्षा कर रहा था वाइल सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रिवर मनी वॉज स्क्वेटिंग ऑन द सेंड विथ स्वामी जब स्वामी और मनी बैठे थे तो रेती खेल रहे थे स्क्वेटिंग मतलब देख रहे थे उसके ऊपर देवर साइलेंट दोनों चुपचाप थे मनी वाज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड स्टेयरिंग एट द ग्राउंड विद अ स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म गदा थी पास में और ग्राउंड को घूर रहा था ही वाज थिंकिंग टू ब्रेक राजम थेट इन अ शॉर्ट वाइल राजम का सिर तोड़ एंड थ्रो बॉडी द रिवर और उसकी शरीर को रिवर में फेंक डालूंगा ये राजम की बात कर रही है मन ही सोच रहा है कि मैं अपने वुडन क्लब से राजम का सिर तोड़ डालूंगा, और उसकी बॉडी को रिवर में फेंक डालूंगा ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट वुड ये भी सोच रहा था अगर राजम का शरीर मिल गया और इफ वुड केम टू टेक रिवेंज अदर स्पिरिट और अगर वो भूत भूत बोस बोस भूत आया ही थॉट टू टीच देन मनी बहुत बेकार सोच रहा है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर चिंगम मनी से बचा लो राजम को बचा लो क्या सोच रहा है मनी पहला मनी सोच रहा है कि मैं राजम का सिर तोड़ डालूंगा उसको रिवर में फेंक डालूंगा अब फिर डर भी रहा है अगर उसकी बॉडी मिल गई तो क्या होगा अगर 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 वो स्पिरिट आत्मा बन के हो गया तो क्या होगा याद हो जाएगा बोलो हाँ ठीक है तो अपन आगे चलते हैं अगले आंसर पे लेके आता हूं आपको नेक्स्ट आंसर पे दिक्कत तो है बिल्कुल दिक्कत है मनी डर भी रहा है शेर भी देखना है और समझ सकते हो आप हाउ डिड मनी एंड राजम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बिकम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता ही है पूरा सारे कथा का बिल्कुल बनता है दोनों लड़ने की जगह दोस्त क्यों बन गए इट वॉज अ लास्ट एग्री दैट दे वुड मीट द नेक्स्ट इवनिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू नियर नलप्पा ग्रो लास्ट में एग्री हुआ कि नदी किनारे मिल रहे हैं अकॉर्डिंगली मनी केम टू द प्लेस विथ हिस क्लब एंड राजम केम देयर विद एयर गन कहानी पलट गई कहानी पलट गई मनी को बड़ा घमंड था अपनी गदा पे और राजम ने वो घमंड डाला एयरगन ला के गन कहा और गद्दा कहा वैन मनी पॉइंटेड आउट बोला क्या है ये दैट ही शुड नॉट है गन एज इट वॉज टू बी हैंड टू हैंड फाइट राजम पॉइंटेड आउट दैट ही इज नॉट आउट टू ब्रॉड क्लब मनी बोलता है ओ भैया गन लेके क्यों आ गए गन की तो बात ही नहीं हो रही थी ना तो बोले गधा की बात हुई थी गधे मैं पुलिस का लड़का हूं बोथ द एयर गन एंड द क्लब वर देन अब सुनो इसने बोला तू गधा क्यों लाया इसने बोला तू गन क्यों लाया तो दोनों गन और क्लब डिस्पेंस्ड विथ अलग अलग कर दिए गए द कंप्लेंट दे हैड अगेंस्ट ईच अदर वर विकाउंटेड एंड होटली डिनाइड दोनों ने बोला तूने मेरे को ऐसा क्यों किया तूने मेरे को वैसा क्यों किया बोले नहीं मेरी गलती हो गई मैंने मैं नहीं मानता मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया द अपशाउट एंड बॉस्ट द सडनली डिसाइडेड टू बी फ्रेंड और फट टाक से उन्हें कहा मैं दोस्त बनने को तैयार हूं मेरे को दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं क्वाइट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर्स रीडर लोग सब सोच रहे थे कि मनी मारेगा नहीं मारेगा तो राजम मारेगा राजम की गन लगेगी या मनी का क्लब लगेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कंक्लूजन वॉज मच टू द रिलीफ ऑफ स्वामी प्राण में प्राण आए स्वामी के कि दोनों हो गए फॉर ही एडमायर राजम एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विथ हिम एज अ साइन ऑफ गुडविल राजम ने कोई बिस्किट दिया और मनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और नींबू का अचार भी दिया अब 150 का है, देखते चलना समझते चलना इसको स्पीड इस से लेके चलेंगे जो लेसन अपन ने पढ़ा वही का वही लेसन यहां पे उतारना है पूरा का पूरा व्हाट वर द रीजन ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन मनी एंड राजम शत्रुता का कारण बता दो मनी और राजम के आपको मैंने पूरा कथा बताया वही आएगा राजम नया स्टूडेंट था सन ऑफ सुप्रीटेंडेंट ट्रांसफर हुआ था कहाँ से इंग्लिश स्कूल मद्रास से बहुत अच्छी ड्रेस करके आता था शूज पहनता था सॉक्स पहनता था टाई पहनता था कार में आता था वंडरफुल कोट पहनता था फर कैप पहनता था बिल्ट एंड न्यू ऑल ऑलटेक्ट ऑन द फर्स्ट डे एट द स्कूल ही केम विथ वॉक टू द लास्ट बेंच एंड सेट बिसाइड मनी पहले दिन वो मनी के पास बैठ गया कंफर्टेबल लगा मनी ने उसको एक जैब दिया जैब का मतलब याद रखना धक्का रिब का मतलब पसली विच ही रिटर्न मनी ने दिया राजम ने भी दिया ही इम्प्रेस द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे और पूरी क्लास बोलने लगी राजम 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 ही कोड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली राजम की भी अंग्रेजी एकदम फैंटास्टिक थी नो अदर इन द क्लास वॉज एबल टू कॉम्पीट विथ हिम कोई उससे कंपटीशन नहीं कर सकता था बाय डेट टाइम मनी वाज़ द बॉस देर वाज़ नो वन चैलेंज हिज स्ट्रेंथ राजम के पहले मनी क्लास का बॉस था राजम अब बन गया न्यू राइवल राजम राइवल शत्रु बन गया मनी का इन हिज मैनर टू मनी ही अज्यूम अ सर्टेन नॉन चैलेंज टू विच मनी वाज़ नॉट अ कस्टम कई ऐसी काम की जो मनी को बिल्कुल पसंद नहीं थे मनी जैब राजम जैब मनी क्लाउड जैब मतलब धक्का देना क्लाउड मतलब मुक्का मारना धक्का धक्का मुक्का मुक्का किक्का किक्का किक मतलब लात मारना जो हो रहा था उसको पूरा रिटर्न कर रहा था अगर मनी ओवरलॉड था क्लास का राजम उससे कुछ भी कम नहीं था राजम सेवेंटी परसेंट होल्डर था और राजम जो था ना एक नंबर एक्सेप्ट हो गया था एनिमोसिटी का कारण बन गया था खत्म समझ लेना पूरा लेसन उतार देना इसमें पूरा का पूरा फ्रेंडशिप की जगह ये लोग क्या हुआ फ्रेंडशिप की जगह ये लोगों ने एनिमी की जगह फ्रेंडशिप कैसे हो गई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फ्रेंडशिप डिस्पाइट देयर फ्रेंडशिप स्वामीनाथन वॉज अफ्रेड ऑफ मनी दोस्ती थी स्वामी की तब भी स्वामी मनी से जलता मतलब डरता था अफ्रेड का मतलब डरता डरता था मनी से स्वामी डरता था क्यों मैं बता रहा हूं देखना मनी एंड स्वामी वर गुड फ्रेंड स्वामी एड रिस्पेक्ट फॉर मनी मनी और स्वामी दोनों अच्छे दोस्त थे स्वामी के मन में रिस्पेक्ट था मनी वॉज द हीरो फॉर द क्लास एबल टू डू एनी थिंग विच वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर मनी मनी कई चीजें ऐसी कर सकता था जो कई लोग सोच भी नहीं सकते थे ही कुड ब्रेक नेक ऑफ एनी वन विथ हिस क्लब गदा से किसी का भी सर तोड़ सकता था स्वामी टर्नस एंग्री विथ हिम ही बिगिंस राइवलरी विथ राजम <coughs> स्वामी को इससे गुस्सा आ गया स्वामी को इससे गुस्सा आ गया कब जब इसकी शत्रुता हुई राजम से क्यों क्योंकि स्वामी लाइक्स राजम वेरी मच पसंद था सेवेंटी परसेंट है टाई है बेल्ट है कोट है सब है उसको बहुत पसंद था मनी डज नॉट लाइक राजम बिकॉज यू अपियर टू बी चैलेंज मनी को राजम पसंद नहीं था और स्वामी को राजम पसंद था मनी डिसाइड टू बंडल राजम इन टू द रिवर टू क्रैक हि शोल्डर विद हिस क्लब मनी बोलता है मैं तो राजम को निपटाऊंगा स्वामी वॉन्ट्स हिम टू बी केयरफुल फॉर हिज फादर इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैन मनी शोड रिलेक्टेंस स्वामी क्राइड इन प्रोटेस्टेशन विच मेड मनी सर प्राइस ये बात यहां पे क्लियर होती है कि क्या दिक्कत थी जो क्वेश्चन है ना कि अफ्रेड था अफ्रेड मतलब डरता क्यों था तो डरता इसलिए था क्योंकि भले ही वो फ्रेंडशिप करता था सब कुछ था पर स्वामी को डर लगता था कि कहीं मनी उसकी दोस्ती तोड़ेगा तो उसको दिक्कत नहीं आ जाए स्वामी रोता है विद्रोह करता है ये चीजें बताती है कि स्वामी मनी से डरता है पूरा आंसर वही का वही है सेम टू सेम है उसमें नया कुछ भी नहीं है ठीक है मनी के बारे में पूरा है स्वामीनाथन के बारे में पूरा है हो गया हो ही गया हो ही गया कैसा शो फिक्स होता है स्वामी के मनी और राजम के बीच में कॉड ऑफ कम्युनिकेशन कौन बनता है वही 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 स्वामी बनेगा इन ऑर्डर टू रिजोल्व एनिमोसिटी बिटवीन राजम एंड मनी स्वामी सेट बिटवीन मनी एंडम बातचीत चलेगी स्वामी पास करेगा मनी लिखेगा राजम को देगा कौन स्वामी ठीक है नो वन ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास मनी एंड राजम वन ऑफ द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास स्वामी एक्टेड एज अ कॉड ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान से सुनना मनी पत्र लिखता है एक कागज पे और स्वामी वो पहुंचाता है किसको राजम को इसको बोलते हैं कोड ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर एक्सचेंजिंग सम finally दे फाइनली केम टू to टू प्रूव दर माइटी एट द रिवर grove बोले अच्छा घमंडे है देखो ताकत पे तो मिल नदी के किनारे एनकाउंटर between मनी एंड राजम अब बताओ क्या हुआ था क्या हुआ था जब मिले थे ऑन द डे मनी केम टू द प्लेस विद दिस क्लब एंड राजम केम देयर विद एयर गन और एयर गन ने कहानी बदल दी रिवर पे आए स्वामी भी आया मनी भी आया राजम थोड़ा लेट आया पुलिस की ड्रेस में आया एयर गन लेके आया वैन मनी पॉइंटेड दैट ही शुड नॉट हैव ब्रॉट द गन मनी बोलता है तुमको गन नहीं लाना था हैंड टू हैंड फाइट था राजम पॉइंटेड आउट दैट ही इज नॉट ब्रॉट हिज क्लब तुमको भी गदा नहीं लाना था both the airgun and the club were then dispensed with the complaint they had against each other were resolved और दोनों ने कहा मेरे को तेजी कोई दिक्कत नहीं और उन दोनों की कंक्लूजन में फ्रेंडशिप होती है और स्वामी उनको क्या बोलता है खुश हो जाओ मनी क्या करता है मनी बोलता है थोड़े से बिस्किट ले लो और दोनों का खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं अब हम देखेंगे अगले वीडियो में चैप्टर थ्री जिसमें आने वाली है स्वामी की दादी कौन स्वामी की दादी आपको मैं दो चैप्टर का क्विक रिवीजन करा रहा हूं क्या क्या पढ़ना है याद रखना सोमू शंकर सेम्युअल मनी इनके बारे में पढ़ लो चैप्टर वन में स्वामीनाथन ने मंडे कैसे पास किया ये पढ़ लो चैप्टर वन में चैप्टर टू में याद रखना एक राजम था और एक मनी था राजम नया लड़का है सुप्रिंटेंडेंट का लड़का है कार से आता है टाई बेल्ट जूते मोजे कोट पैंट पहनता है मनी इससे जलता है इसने जैप किया किक किया क्लाउड किया सब राजम ने रिटर्न कर दिया मनी ओवरलॉड था तो राजम भी एक क्लास में एक नया व्यक्ति बन गया था मनी बोलता है तू मिल को नलप्पा ग्रोह पे राजम लेके आ जाता है एयर गन और मनी के लग गए गंग 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 अब क्या होता है अब जब एयर गन चलती है तो मनी बोलता ओ, 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 नहीं लाना था बोले तूने क्लब क्यों लाया तूने क्लब क्यों लाया बात खत्म बात खत्म फिर राजम बोलता है इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी बोलता है मेरे को दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं तो मनी बोलता है मुझे भी दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं राजम इनको बिस्किट देता है और इनकी सब की हो जाती है दोस्ती दोस्ती हटा दो इसको हो गया थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम वेरी इंप्रेस आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिग थैंक यू, थेंक यू, थेंक यू। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को भी थोड़ा भैया शेयर करो ना अब आप, आपके जो भी फ्रेंड है ना उनको शेयर करो जो ट्वेल्थ क्लास में है ठीक है देखो दिल है अब इसको ऐसा खोल दो पत्ता बन गया हा 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 हो गया